खबर के हवाले से बात करेंगे और बात जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सदारत में आज जम्मू कश्मीर के असेंबली को लेकर एक अहम इजलास होगा। जम्मू कश्मीर के सीईओज और डीओज इस मीटिंग में शिरकत करेंगे और असेंबली इंतखाबात के हवाले से ये मीटिंग काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इंतखाबात के हवाले से इस मीटिंग में तबादला ख्याल हो सकता है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहाँ पर आज एक अहम इजलास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सदारत में होगा और इस इजलास में जम्मू कश्मीर के सीईओज और डीओ जो है वो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे और मीटिंग में कई एक मामलों पर तबादला ख्याल होगा। वहीं जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के हवाले से भी ये मीटिंग काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि उस हवाले से भी इसमें तबादला ख्याल किया जाएगा। आपको याद होगा कि असल में ये जो मीटिंग है ये कल होनी थी, ताहम कुछ वजूहात के बिना पर ये मीटिंग फिर रिशेड्यूल हुई और आज करीबन 2 बजे ये मीटिंग होने वाली है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो खुद इस मीटिंग की सदारत करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू कश्मीर के सीईओज डीओज वो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे और असेंबली इंतखाबात के हवाले से मीटिंग काफ़ी अहम मानी जा रही है। सीधा दिल्ली चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ताबिश कमाल हमारे साथ है। ताबिश, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अहम मीटिंग आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात के हवाले से मीटिंग कितनी अहम है? बिल्कुल, देखिए देखा जाए तो बहुत अहम मीटिंग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 की सुनवाई करते हुए कहा था कि 30 सितंबर से पहले पहले जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराए जाने हैं और इसको लेकर के लगातार जम्मू कश्मीर में तैयारियां की जा रही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तैयारियां की जा रही है, वोटर लिस्ट और तमाम जो चीजें हैं उनको लगभग फाइनल कर लिया गया है। हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटी पहुंचे तो उन्होंने वहां कहा था कि इलेक्शन का वक्त नजदीक है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अक्सर भारतीय जनता पार्टी के लीडरान भी कहते रहते हैं कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में घाटी के अंदर असेंबली इलेक्शन किए जाने चाहिए और उसी के मद्देनजर अब तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। दिल्ली में लगातार हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन 5 राज्यों में, देखिए, विधानसभा के चुनाव होने हैं, असेंबली इलेक्शन होने हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं। कल झारखंड चुनाव को लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की गई थी और आज जम्मू कश्मीर को लेकर के एक अहम मीटिंग की जानी है, जिसमें हालात का जायजा लिया जाएगा और तमाम जो चीजें हैं इलेक्शन कमीशन के सामने रखी जाएंगी। लिस्ट फाइनल हो चुकी है और तमाम जो चीजें हैं उन सबका एक तला दिल्ली दी जाएगी और यहाँ से उसके बाद एक सूरत हाल तैयार की जाएगी। देखिए, खबर ये भी मिल रही है कि 19 तारीख तक अमरनाथ यात्रा अभी चलनी है, 19 के बाद कभी भी घाटी में चुनाव का ऐलान किया जा सकता है, यानी कि जोरों शोरों तैयारियां की जा रही हैं और सितंबर में जो डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है उसका अमली जामा फैलाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। ताबिश कमाल दिल्ली से तफसीलात फराम कर रहे थे और बता रहे कि करीबन 2 बजे ये अहम इजलास शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद इस इजलास की सदारत करेंगे और इस अहम इजलास में जम्मू कश्मीर के सीईओज और डीओज इस इजलास में शिरकत करेंगे।